हेलो दोस्तों, मैं हूं आरिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्नो आरिफ। तो आज हम लेकर आए हैं डबल 12 का दो टॉप, जो कि मैंने इसे कस्टम करके बनाया है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि इसमें मैंने जो है कौन से स्पीकर डाले हैं, कौन से ट्विटर डाले हैं, और इसमें नेटवर्क कौन सा लगाया है, और ये कैबिनेट जो है किस कंपनी का है। तो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएँगे। तो हालाँकि मार्केट में बहुत सारे मतलब रेडीमेड भी मिलता है डबल 12 का टॉप, लेकिन मुझे कस्टम करके बनाना था क्योंकि थोड़ा मुझे बेस ज़्यादा चाहिए था। तो इस वाले स्पीकर में जो है, इस टॉप में जो है थोड़ा बेस ज़्यादा आता है, इसलिए मैंने जो है कस्टम करके टॉप बनाया है डबल 12 का। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को फटाफट से हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने यहां पर जो है आहूजा का एयर 12 MB 200 स्पीकर यूज़ किया हूँ, जो कि ये काफ़ी अच्छा स्पीकर है। तो सर चलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर सामने की ओर देख रहे होंगे, ये L12MB200, तो ये 200 वाट का स्पीकर है जो कि 200 वाट RMS आउटपुट के साथ आता है। और इसका नॉमिनल इम्पीडेंस जो है 8 ओम्स का है, और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देख सकते हैं 45 हर्ट्ज से लेकर के 5000 हर्ट्ज तक है, और ये 97 dB पे काम करता है। और इसका वेट जो है अप्रॉक्स 4 किलो 160 ग्राम का अप्रॉक्स इसका वेट है। तो ये जो है प्रोफेशनल LF लोड स्पीकर है जो कि लो फ्रिक्वेंसी के लिए आता है। तो चलिए अब मैं इसके डिटेल में बताता हूँ इसके बारे में। तो ये रहा इसका यूज़र मैनुअल, इसमें आपको डिटेल से बताते हैं। तो देख सकते हैं L12MB200 12 इंच लो फ्रिक्वेंसी स्पीकर, यानी लो फ्रिक्वेंसी स्पीकर है। यहाँ पे ये बताया हुआ है, देख सकते हैं डुअल यूज बूफर मिड और बेस के लिए। यहाँ पर ये डुअल यूज बता रहा है, मिड और बेस के लिए ये स्पीकर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे 12 इंच के स्पीकर देखे जो कि आहूजा के ही थे, तो उसमें 100 वाट हैं, 200 वाट हैं और 300 वाट भी थे। तो इसका देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है 45 हर्ट्ज से लेकर के 5000 हर्ट्ज तक इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आता है। तो इसीलिए जो है मैंने ये वाला स्पीकर चूज किया है, जो कि इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। इसमें L12MB300 भी आता है जो कि 300 वाट का आता है, तो उसका मुझे उतना फ्रीक्वेंसी रिस्पांस काफ़ी उतना अच्छा नहीं लगा, जो कि इसका काफ़ी अच्छा है। 45 हर्ट्ज से स्टार्ट होता है और इसका 48 हर्ट्ज से स्टार्ट होता है, तो ये बेस के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे नहीं लगता कि 12 इंच में आप 300 वाट यूज़ करोगे। अगर 300 वाट आप यूज़ करते हो तो आप 15 इंच में जाना चाहिए। 15 इंच में आपको क्या लगता है, आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि 300 वाट में आप 12 इंच में रहना चाहते हैं या फिर 15 इंच में। तो मैक्स टू मैक्स जो है 200 वाट 12 इंच में काफ़ी है। अगर 300 वाट यूज़ करते हैं तो फिर आप 15 इंच में जाना चाहिए आपको। इसका डिज़ाइन भी ठीक ठाक सा है, 2 इंच वो स्क्वेल में आता है, और देख सकते हैं रोबस्ट प्रेस्ड स्टील फ्रेम, इसका चेसिस जो है स्टील का बना हुआ है। तो ये वाला मैंने जो है 4 स्पीकर इस टॉप में यूज़ किया है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि इसमें जो है ट्विटर कौन सा यूज़ किया है। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये रहा Q1 का ट्विटर, देख सकते हैं D445S यानी 445S इसका मॉडल नंबर है, और ये 50 वाट का ट्विटर है। हालांकि यहाँ पे 60 वाट लिखा हुआ, बट ये 50 वाट ने डीलर ने 50 वाट बताया था, तो इसीलिए मैं 50 वाट लेकर के ही चल रहा हूँ। तो ये वाला जो है मैंने ट्विटर यूज़ किया है, इसके साथ जो है मेटल फ्लेयर भी यूज़ किया हूँ। तो देख सकते हैं इसका ट्विटर का जो है डिज़ाइन कुछ इस तरीके का दिखता है, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन दिखता है। तो ये वाला जो है मैंने दो ट्विटर यूज़ किया है, दो टॉप में अलग अलग, एक एक टॉप में एक एक ट्विटर यूज़ किया है। और नेटवर्क किट देख सकते हैं, ट्विटर के लिए जो है नेटवर्क किट मैंने ये वाला यूज़ किया है, जो कि पियानो का क्रॉसओवर नेटवर्क PSI 472, ये वाला नेटवर्क किट यूज़ किया हूँ, जो कि मैंने एक एक किट दोनों में यूज़ किया हूँ। मीडियम यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है, मुझे बेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, इसीलिए जो है मैंने ये कस्टम करके टॉप बनाया है। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल जो हैं रेडीमेड टॉप मिल जाते हैं डबल 12 के। तो चलिए अब मैं आपको कैबिनेट दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ये कैबिनेट का फ्रंट लुक देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है। तो यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है, और फ्रंट का जाली भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फ्रंट का जाली है, जो कि ये फुल जाली है देख सकते हैं।
और यहाँ पे देख सकते हैं मेटल फ्लेयर जो मैंने ट्विटर के लिए यूज़ किया है वो बड़ा साइज वाला है। तो चलिए अब हम इसके बैक साइड में चल के आपको दिखाते हैं कि इसका इनपुट और आउटपुट जो है कौन सा जैक से दिया हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए जो है यहाँ पे USBCON सिस्टम का यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है। हालांकि आहूजा SRX 440 मॉडल में उसमें आपको जो है स्क्रू सिस्टम दिया हुआ जो कि तार कसने के लिए होता और 6.5 mm का एक पिन दिया हुआ है जो कि उसे इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको जो है USBCON सिस्टम दिया हुआ है जो कि वो भी एक यहाँ पे देखने वाली बात है। तो यहाँ पे कैबिनेट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये कैबिनेट जो आप देख रहे हैं ये भी पियानो ही कंपनी का है। तो पियानो कंपनी में ये एक चीज़ है कि आपको जो है सस्ता प्रोडक्ट मिलता है, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू फॉर मनी होता है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा होता है। आहूजा के टक्कर में क्वालिटी इसका होता है। तो जैसा कि देख सकते हैं इसका जो है डेप्थ जो है ज़्यादा है, तो इसमें बेस काफ़ी अच्छा मिलने वाला है और इसका आहूजा से हाइट भी थोड़ा इसका ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है गैपिंग थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। और देख सकते हैं इसका साइड में जो प्रोडक्शन दिया हुआ है ये देख सकते हैं ये मेटल का दिया हुआ है, हालांकि आहूजा में फाइबर प्लास्टिक का आता है तो वो उतना ड्यूरेबल नहीं होता है, बट ये ज़्यादा ड्यूरेबल है। तो आप इसके हिसाब से ही देख सकते हैं और यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वाला जो है मैंने टॉप यूज़ किया है। तो पियानो का टॉप हो गया और पियानो का नेटवर्क किट हो गया और Q1 का ट्विटर हो गया और स्पीकर जो है वो आहूजा का हो गया। तो ये सारे मैंने पार्ट्स यूज़ किए हैं इस टॉप में। तो चलिए साउंड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एम्पलीफायर दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा एम्पलीफायर जो कि मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया हुआ है। तो इस एम्पलीफायर से इस टॉप को चलाते हैं और आपको थोड़ा बहुत साउंड टेस्ट करके दिखा देते हैं। अगर आपको इस एम्पलीफायर और उस टॉप के साथ में जो है फुल साउंड टेस्टिंग चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए साउंड स्टार्ट करते हैं साउंड टेस्ट। तो ये रहा टॉप, अब यहाँ से हम इसको आउटपुट देते हैं। फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर साउंड मैंने आपको सुनाया है। अगर इसका आपको फुल साउंड टेस्टिंग चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि आपको टॉप कैसा लगा कस्टम करके। तो फ्रेंड्स आपको ये टॉप कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।